गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। देखिए आपका हिंदी में 30% वर्क कम कर दिया गया है, इसलिए जो दो चैप्टर सी बी एस ई बोर्ड से आए हैं वही मेरे चैप्टर। और मैंने आपको ग्रामर के भी, हिंदी ग्रामर के भी जो है चैप्टर भेज दिए हैं, समझाए आपको। और शीतल में गद्दे के भी भेज दिए हैं दो चैप्टर, अब शीतल काव्य के भेज दिए। आज मैं आपको वाक पढ़ा रही हूँ। वाक का रिवर पूछ, वाक कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री ललित का जन्म 1320 में हुआ था। वह कैसी कवित्री थी? कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवित्री थी। इनका जन्म 1320 में श्रीनगर के पास सिंहपुरा में हुआ था। कवित्री के जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंवदंतियों से पता चलता है कि उन्हें क्लेश्वरी ललारिका नामों से भी जाना जाता है। ललित का कोई प्रमाणिक काव्य नहीं है, उनकी सैकड़ों वाक वर्षों से मौखिक रूप में से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर प्रचलित रहे। ललित का कोई प्राचीन या प्रमाणिक, उनका कोई प्रमाणिक काव्य तो नहीं है। उनकी सैकड़ों वाक वर्षों से मुख्य रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रचलित रहे हैं। इनकी काव्य की विशेषता है कि ललित ने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने की ओर दिया है। इन्होंने जो है धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रेम को महत्वपूर्ण बताया है। कबीर की तरह उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। जिस प्रकार से कबीर ने जिस प्रकार से धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था, उसी प्रकार ललित ने भी किया। वे मध्यम मार्ग अपनाकर प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा रखते थे। ललित की भाषा शैली ललित की रचनाएं वाक शैली में है। उनमें लोक जीवन के तत्व निहित हैं। उनकी रचनाएं पांडिताऊ संस्कृत और फारसी शब्दों में बोझिल नहीं है। उनकी भाषा सरल है। उनके वाक आम जनता में किसी की कवायों के शैलियों की तरह लोकप्रिय हैं और उनको जबानी याद है।
इस पार्ट में कवित्री ने कश्मीरी कवित्री ललित रचित चार वाक संकलित हैं। पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए, पहले वाक में तो ईश्वर प्राप्ति के लिए है और दूसरे ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता पर वर्णन किया है। तो दूसरी बात में जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना अपनाने पर बल दिया गया है। देखिए, पहले में तो ईश्वर प्राप्ति कर प्राप्ति पर जोर दिया गया है। दूसरे पर उन्होंने जाति धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना पर बल दिया है। तीसरे भाग में गुरु महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरु को प्राप्त करने भव सागर से पार पाने एवं चौथे भाग में धर्मगत संकीर्णताओं को त्यागना तथा प्रत्येक वाणी में ईश्वर को समान होने की बात कही है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जीवे उठती रह गए हूँ, घर जाने की चाह है देव। कवित्री कहती है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव। नाव किसे कहा है? शरीर रूपी हमारा शरीर भी एक नाव की तरह है। उन्होंने शरीर को नाव कहा है। कवित्री कहती है कि यह श्वासों की कच्ची रस्सी के सहारे पर शरीर रूपी नाव को खींच रहा है। जो हमारी श्वास जब तक चलती है तब तक मनुष्य जिंदा रहता है। श्वासों की कच्ची रस्सी के सहारे शरीर रूपी नाव को खींच रहा है। जब तक हमारे श्वास है तब तक ही शरीर को खींचा जा सकता है। जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार। देव प्रभु भव सागर संसार रूपी सागर। कवित्री कह रही है कि पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भव सागर से कब पार करेंगे। कवित्री कह रही है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरी पुकार सुनकर के कब मुझे मेरे प्रभु भव सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चे सकोरे मिट्टी का बना हुआ छोटा पात्र जिसे पकाया नहीं गया है। जो मिट्टी का बर्तन है जब उसको आवे में पकाया जाता है तो वह पक्का हो जाता है, और जिसे बना करके ऐसे रख दिया जाता है उसे पकाया नहीं जाता तो वह कच्चा होता है। तो इसी तरह कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र में पानी भर देते हैं तो वह पानी टपक टपक कर कम होता रहता है। जिस प्रकार से जो कच्चा पात्र होता है, जो मिट्टी का बर्तन होता है, अगर उसे हम
हमें मत पका देंगे तो वह पक जाएगा। और अगर हम उसे कच्चा ही रखेंगे जैसे बनाया कुमार ने अपने चाप पर बनाया और उसमें पानी भर दिया तो वह पानी टप टप होता रहेगा और वह मिट्टी का कसोरा टूट जाएगा। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र पात्र से पानी टपक टपक कर बहता रहता है उसी तरह समय बीतता जा रहा है, उसी समय यह समय भी बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के लिए मेरे प्रयास बेकार हो रहे हैं। जितनी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कवित्री कह रही है जितनी मैं प्रभु को पाने की कोशिश कर रही हूँ उतनी ही सब बेकार हो रही है। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है, जी में उठती रह रहे हो घर जाने की चाह है मेरे, भूख तड़प वेदना, भूख तड़प वेदना, चाह इच्छा। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब वह नश्वर संसार को छोड़कर, यह संसार एक नश्वर है, नष्ट होने वाला है, इसमें हमेशा नहीं रहना है, यह तो एक धर्मशाला का रहा है, इसे छोड़ करके प्रभु के पास पहुंच जाए, सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सके। कवित्री कह रही है कि उसको बार बार एक ही वेदना, एक ही दुख सता रहा है, बार बार उसके मन में एक ही पीड़ा हो रही है कि कब यह मिट्टी रूपी शरीर संसार छोड़कर उस प्रभु के पास चला जाए। और जितने संसार में मनुष्य को कष्ट मिलते हैं उन सबसे छुटकारा मिल जाए, ऐसी कवित्री की चाह है। समझ में आया? अब आपको जो मैं भावन पढ़ा रही हूँ इसके क्वेश्चन भी आपको आपके पास फोटो खींच कर भेजे जाएंगे। फिर है नेक्स्ट पैरा, इससे तुझे कुछ प्राप्त ही होगा।
की। तू इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा। तू इस भोग विलास को त्याग कर तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। जब तू भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में क्या बढ़ेगा? अहंकार बढ़ेगा। तू इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना। तू दूसरा मार्ग अपना जो बीच का मार्ग हो। भोग त्याग सुख दुख का नाम खुलेगी साकल बंद द्वार की। भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने जब तू अपनाएगा तो तुझे प्रभु की प्राप्ति का द्वार बंद द्वार तेरे लिए खुल जाएगा। जब तू प्रभु की प्राप्ति के लिए तपस्या करेगा यानी भगवान का नाम लेगा तो तब बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से तेरा मिलन हो जाएगा। यानी जब सच्चे मन से तू प्रभु का ध्यान कराएगा तभी तेरे बंद द्वार की बंद द्वार का दरवाजा खुल जाएगा और तुझे प्रभु से तेरा मिलन हो जाएगा। साकल यानी जंजीर आई सीधी राह से गई न सीधी राह जेब टटोली कौड़ी न पाई सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आकर माजी की है क्या उतराई। कवित्री कह रही है आई सीधी राह से गई न सीधी राह रास्ता। कवित्री कहती है प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार से सीधे रास्ते से आई थी। जब हम इस दुनिया में आए कवित्री कह रही है कि मैंने कहा कि ये प्रभु मैं इस संसार में आकर के तेरा नाम लूंगा मगर जब वो जाल में फंस जाता है तो वह उस प्रभु को भूल जाता है किंतु यही आकर मोह माया आदि सांसारिक रंजनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह जब तक तू इस संसार में नहीं आया था माँ के घर में रहा तो तू अंदर ही अंदर कहता था हे प्रभु जब मैं बाहर आ जाऊंगा तो मैं तेरा नाम जपूंगा मगर जब इस संसार में आया मोह माया में फंसता चला गया और उस प्रभु को भूल गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन। सुषुम सुन्ना नामक नाड़ी वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही। वह जय सुषुम्ना नाड़ी को जगाने के लिए कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी से उसका जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में टटोली तो कुछ भी नहीं मिला। जेब टटोली कौड़ी न पाई जब उसने अपनी जेब को टटोला तो उसे वहां पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और तब उसे चिंता सता रही थी कि भवसागर से पार उतरने वाले प्रभु रूपी माजी की नाम को मैं क्या उतराई दूंगा।
है जीवन कुछ ही जीवन में मैंने इतना भगवान का नाम लिया है, मगर मैं अंतिम समय में मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे कुछ ही प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात यह जीवन कुछ भी हासिल नहीं कर सका। आज मैंने आपको इस पाठ के तीन पहले पढ़ा दिए। थल थल में बहता है शिव ही, ज्ञानी है तो शिव को जान, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, यही है साहिब की पहचान। कवित्री कह रही है ईश्वर सर्वत्र उपस्थित के बारे में बताती हुई, कवित्री कह रही है कि यह कि हर स्थान पर भगवान सत्य है, व्याप्त है, चारों तरफ है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, इससे प्रभु की पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी का, ईश्वर हमारी आत्मा में निवास करता है। थल जमीन शिव प्रभु साहिब ईश्वर, तो उस ईश्वर को याद कर। ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताती है कवित्री, कहती है कि हर स्थान पर भगवान, हर स्थान पर है, कण कण में भगवान है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, इससे प्रभु की पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात तुझे तेरी आत्मा आत्मा में प्रभु का निवास हो जाएगा। धन्यवाद। आज मैंने आपको वह पाठ पढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। कल मैं आपको पहले के क्वेश्चन आंसर और बुक के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। धन्यवाद। जब आपका वन कंप्लीट हो जाए तो स्कूल में अपनी नोटबुक चेक कराने के लिए आ जाना, नहीं समय आया तो फोन करके पूछ लेना। धन्यवाद।